मेरे पास उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अकेले 2019 के इलेक्शन में 50% वोट शेयर हासिल हुए थे। उनमें अगर अपना दल और अपना दल को मिला लें तो यहां पर हो जाता है 51.19% सिर्फ उत्तर प्रदेश में। और ये हाल बीजेपी का तब था जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी, मायावती जी की पार्टी, जब दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ी थी और तो भी बीजेपी के ये 51.5% के मुकाबले जो आपका देखिए समाजवादी पार्टी को मिले थे 18.11% वोट और यहां पर बीएसपी को मिले थे 19.43% वोट, यानी कि यहां पर और राष्ट्रीय लोकदल को भी मिला ले 1.69%, तो 40% के भीतर ही रह जाता है अनुराग भदौरिया जी। तो एक बड़ा प्रयोग तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देख भी लिया, वहां पर नकार दिया, तो फिर कैसे हराएंगे बीजेपी को आप लोग? चित्रा जी, जब जनता ये तय कर लेती है कि देश के लिए हमें लड़ना है, देश के संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ना है, जब देश के ऊपर जनता वोट करती है तो आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं, आंकड़े पता भी नहीं चलते कहां चले जाते हैं। इसीलिए मैं इनसे कह रहा हूं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के अभी कह रहे थे, आपने एक सवाल पूछा, कहते हैं नेताओं के मिल जाने से जनता नहीं मिलती है। अरे यही तो हम इतने दिन से कह रहे हैं, आप जो तोड़फोड़ कर रहे हो, विधायक लाला के जो सरकारें गिरा रहे हो, बना रहे हो, तो नेता के आने से जनता नहीं आती है। जनता तो वोट के समय ही अपना वोट देगी। आप नेता लेके, विधायक लेके आप सरकारें बनाते गिराते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे ये जो प्रयोग डरे सहमे हो आप भदौरिया जी, उस पर टिप्पणी कीजिए ना। देखिए मैं बताऊं, दो एक सेकंड, इस देश के राज्य में दो बड़े प्रयोग अगर हम देखें, बिहार में जहां पर आप मुझे बोलने दो सर, जो अरे बोलने दीजिए, आप विपक्ष को, आप सत्ता को इतना बोलने देते हैं, हम बोलना शुरू करते हैं तो आप उसमें बोली तो रहा हूं, क्या कर रहा हूं, चुप तो नहीं बैठा हूं मैं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है, इतना सहम गई है, डरी भी नहीं है, सहमी है, और वो गली गली टॉर्च लेके घूम रही है, कहीं कोई पार्टी मिल जा रही, भैया आप छूट गए थे, आओ आओ आप भी आ जाओ, अरे भैया पासवान जी आप भी छूट गए थे, नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, हमको ये चाहिए। आप बताओ, बार्गेनिंग कर रही है छोटी छोटी पार्टियां, इनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, हर तरह से झुक के कह रहे आओ, किसी तरह से आओ, चूंकि हमें पहली बार ये बताएं एनडीए की मीटिंग इसके पहले कब हुई थी, ये बता नहीं पाएंगे एनडीए की मीटिंग इसके पहले कब हुई थी, की नहीं कभी एनडीए की मीटिंग, चूंकि जब ये विपक्ष एकता की मीटिंग शुरू हुई तब उनको याद आ गया कि अब एनडीए की मीटिंग भी होनी चाहिए, तब इनको अपने विपक्ष दलों का थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि उनको समेटें। इसीलिए आपकी एक लाइन चल रही थी, दला दल मस्त कलंदर, तो मैंने कहा दला दल मस्त कलंदर विपक्ष का पहला नंबर, बनेंगे हम ही सिकंदर, चिंता मत करो। इसलिए आप परेशान हो, आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं, आप घबरा के कुछ भी कह रहे हो। आप अभी कह रहे थे वंशवादी की बात कर रहे थे, आप जिनको टॉर्च लेके घूम रहे हो वो कौन है? चिराग पासवान जी कौन है जो टॉर्च लेके आप घूम के अपने पास लाना चाहते हो? आप राजभर को लाना चाहते हो, कौन है? उनके बेटे को भी तो आप कुछ देना ही चाहते हो ना। आप अकाली दल को घूम रहे हो टॉर्च लेके, कौन है वो बताइए ना, आपसे ही पूछना चाहता हूँ। निशांत शर्मा जी से बात देंगे, तीन और लोगों ने बिल्कुल टिप्पणी नहीं की है, उनके पास भी जाना चाहूंगी। तो अनुराग भदौरिया जी, सबसे बड़ा प्रयोग, एक बार फिर से उसी सवाल पर अनुराग जी, उस सवाल का थोड़ा सा आंसर दे दीजिए आप। सबसे बड़ा प्रयोग सपा और बीएसपी का, ये बहुत बड़ा प्रयोग था, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन तो भी आप बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए अनुराग भदौरिया जी 19 में। जवाब दे दूं? हाँ, इसी पे इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, देखो इसी पे जवाब दे रहा हूं। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा समाजवादी की कितनी सीट है लोकसभा में, आरजेडी की कितनी सीट है, अरे ये भूल गए आरजेडी सरकार में है, ठीक है 2019 में सीट नहीं आई, आज वो सरकार, तब सरकार में, अब तो सरकार में है। अब समाजवादी पार्टी की 2019 में वोट परसेंट कितना था? 27 में, आज हम 32% वोट पे खड़े हैं, तब हमारे पास वोट बैंक, आप वोट बैंक में फर्क है, तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। अब जब चुनाव होगा तब आपको पता चलेगा कि आप धरातल पे हैं ही नहीं, ठीक है। अब जो वोट होने जा रहा है, अब जो चुनाव होने जा रहा है, वो जनता अपने मुद्दों पे वोट करेगी, जनता अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, जो मुद्दों पे आपने उनको सपने दिखाए थे, जो आपने 10 सालों में पूरे नहीं किए, वो 10 साल का हिसाब किताब लेगी। के शर्मा जी आप जवाब दीजिएगा, बाकी तीन लोग भी बहुत देर से हमारे साथ मौजूद है, एक एक टिप्पणी उनकी भी लेना चाहूंगी। अरविंद वाजपेयी जी, वो कह रहे हैं टॉर्च लेके चिराग पासवान को ढूंढने चले थे, अब चिराग जी होम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। अब के शर्मा जी जल्दी से इन लोगों की बात हो जाए फिर आप। अच्छा बोल लीजिए, दो लाइन में जल्दी से। मुझे आश्चर्य है कि तीन सीट वाला 303 सीट जीतने वाले को ज्ञान दे रहा है बैठ के, उन्हें आंकड़े समझा रहा है, और अभी ये बता रहे हैं वहां पर। साहब पहले ही चित्रा जी ने बताया कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव अलग है, हमारे पास आप जिस आरजेडी की वकालत कर रहे हैं, अरे बीच में बोलना पड़ेगा, मुझे पता है आपको तकलीफ हो जाती है।
चित्रा जी बंद कीजिए, 32 सीटें होती है, कोई हमारे पास है जो हमें 2022 में मिला है, बुलेट ट्रेन हो जाते हैं, इनके पास कुछ होता नहीं है इस बात को। और ये बदतमीजी कर रहे हैं, इनको आता है कि बीच में डिबेट में बदतमीजी करें। आप अभी 2019 में जी रहे हैं, अब 2024 में चुनाव होगा, 19 में जीने की आदत है आपको।